सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम मिला सलाम। साथियों, आना तो नहीं चाह रहा था आप लोगों के बीच में, लेकिन दूसरों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए मैं आप लोग के बीच में आ गया। क्योंकि मेरे परिवार में भी कुछ दिक्कतें हैं, कुछ दुख है, क्योंकि आज हमारे परिवार में कोई हमें छोड़कर चला गया। तो आज साथियों, मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये बताने के लिए आया हूँ, तबरेज अंसारी जो कि मुसलमान समाज के थे, उनको जय श्री राम वो नहीं दे बोले, उनको पीट पीट कर उनकी हत्या की कर दी गई। ये पूरे देश को पता है ये बातें, आप लोग को एक बात पहले मैं बता रहा हूँ, उनको पीटा गया। तबरेज अंसारी को जब मारा जा रहा था, 3 महीने पहले उनकी शादी हुई, और शादी होने के बाद वो कहीं टूर पे गए थे अपने दोस्तों के साथ। उसके बाद वहाँ पर उनको पकड़ा गया, पकड़ने के बाद तबरेज अंसारी को बांधा गया। बांधने के बाद वो अपना नाम ये बता रहे थे कि मेरा नाम सोनू है। सोनू बताने के बाद लोग ये पूछ रहे थे कि तेरा नाम क्या है। तो तबरेज अंसारी ने बताया कि मेरा नाम तबरेज अंसारी है। उसके बाद साथियों, उनको 5 बजे रात तक उनको पीटा गया। पीटने के बाद उनको कोई केमिकल भी पिलाया गया। अब आप लोग सोचिए, उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, तबरेज अंसारी को। तो तबरेज अंसारी की बीबी अपने मेहमान रिश्तेदार के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची। उसके बाद पुलिस के पास पहुंचने के बाद पुलिस ने भी ये कहा, अपनी मतलब जो पुलिस को कहना नहीं चाहिए, पुलिस भी अपनी मतलब दिखाई दिया जो कहना चाहिए। पुलिस ने ये कहा कि भाग जा यहाँ से, नहीं तो तेरी भी हड्डी पसली एक कर दी जाएगी। उसके बाद सोनू, जो कि शायद वही आरोपी है, उसके बाद उसकी माँ आई तबरेज अंसारी की और उसकी बीबी, फिर अंदर गए दोबारा। जाने के बाद फिर तबरेज अंसारी ने कहा कि तू किस मिट्टी का बना हुआ है, इतने मारने के बाद तू मरा क्यों नहीं। उसकी माँ ने बोला कि ये सब कौन है। तो तबरेज अंसारी ने बताया कि ये लोग माँ वही हैं जो लोग मुझे रात 5 बजे तक पीटते रह गए। अब सबसे पहले साथियों ये बताना चाहता हूँ, क्या इस देश में मुसलमान होना गुनाह है? कोई क्यों बोले जय श्री राम। जो मेरा धर्म है मैं उस धर्म के लिए हूँ, मेरा जो धर्म है मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ। जो जिसका धर्म वो उतना मुसलमान समाज के लोग हैं तो वो क्या नाम है, अल्लाह अपना जो भी है उनका वो करते हैं। हिंदू समाज के हैं तो जय श्री राम बोलते हैं, दलित समाज के हैं तो वो क्या नाम है, जय भीम बोलते हैं। जिसका भी हो, जो भी हो, वो अपना जिसका जो धर्म है, जो जिसका मतलब जातियाँ हैं, कुछ भी हो, वो अपना लेके चले। किसी के बाप की हिस्सा क्या नाम है रियासत बनी है कि जय श्री राम बोलने के लिए, ये गलत है, ये तानाशाही है। और इस देश की जो ये गूंगी है और बहरी ये सरकार है, इसको समझ में आना चाहिए कि मुसलमान होना इस देश में गुनाह नहीं है। जो भी हुआ है तबरेज अंसारी के साथ, मैं इसको कड़े शब्दों में इसका मैं निंदा करता हूँ। ये गलत हुआ है तबरेज अंसारी के साथ, उसकी बीवी के साथ, जो कि पुलिस भी, आप लोग को बताना चाहता हूँ कि पुलिस भी अपनी जो मतलब उसको दिखाना चाहिए, पुलिस भी अपना चीज़ दिखा चुकी है, किस तरीके से कायरों की तरह। और वो नामर्द जो लोग उसको पीट रहे थे, पीट पीट के उसकी हत्या कर दिए और बेचारा मर गया। आप लोग सोचिए, डॉक्टर भी उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम भी लगाया गया और डॉक्टर भी मेडिकल नहीं कर रहा था। आप लोग सोचिए इस देश के अंदर क्या हो रहा है, दलितों के ऊपर कभी अत्याचार किया जाता है तो कभी मुसलमानों को के ऊपर अत्याचार किया, मतलब इस देश के अंदर हो क्या रहा साथियों, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। अब आप लोग सोचिए, मतलब जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं आपस में भाई भाई, अब आप लोग सोचिए कैसे हो सकते हैं भाई। एक मुसलमान समाज के भाई को मार दिया जाएगा, एक दलित समाज के भाई को मार दिया जाएगा, क्या हिंदू जो इस देश में जो जय श्री राम बोलने वाले हैं वही यहाँ के मूल निवासी हैं? ये गलत है, ये तानाशाही है, ये गूंगी और बहरी है। सरकार को इस बात को समझना चाहिए और इस पे एक्शन लेना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। और उन कुत्तों को, उन हरामजादों को तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ऐसा उन लोगों को सबक सिखाओ कि दोबारा कोई भी मुख्तार अंसारी हम ना खोएं। ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था। साथियों, मेरे भी घर में प्रॉब्लम है, लेकिन दूसरों का दुख मुझे देखा नहीं जाता, किसी भी समाज का है वो। जिसके साथ अन्याय होगा उसके साथ मैं चुप नहीं बैठूंगा, ज़रूर आके बोलूंगा आप लोगों से।
तो सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम मिला सलाम। इस मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूले। जय भीम। और मुख्तार अंसारी की जितने भी जिन कुत्तों ने जिन हरामजादों ने उसकी इस तरीके से हाल किया है उन लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, तो होनी चाहिए। ये मैं सरकार से मांग करता हूँ, इस देश की गूंगी और बहरी सरकार से।